तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीबू, गेम पोर्टल 3.0 की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम खेल रहे हैं ब्रॉल स्टार्स फिर से। तो पिछले बार तक हम क्वेस्ट कंप्लीट कर रहे थे, इस बार की वीडियो का एम रहेगा कि इस वीडियो के एंड तक हमको पहुंचना है 1000 ट्रॉफीज तक, जिसके बाद हमको नया रिवॉर्ड अनलॉक होगा, जिसमें हमको एक और ब्रॉलर मिलेगा जिसका नाम है ब्रॉक। ये रॉकेट पहन के चलता है भाई, रॉकेट लॉन्चर लेके चलता है, लगातार रॉकेट से अटैक करता है, बहुत ही अच्छा ब्रॉलर है। तो इसको मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा क्वेस्ट कंप्लीट। तो क्वेस्ट बहुत सारे बाकी हैं, जिसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा ट्रॉफीज़ भी साथ में मिलेगा और टोकन्स भी मिलेंगे हमको, तो दोनों चीज़ होगा। नया सीज़न आ चुका है, स्टंट शो में आ चुका है, तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं क्योंकि अभी मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था इसको। तो शैली मेरे पास में है, कि एक बार देखता हूँ कि शैली के साथ में अपन खेल सकते हैं कि नहीं सोलो शोडाउन। तो अगर हम शैली के साथ में खेलें तो शायद हमारा कुछ हो सकता है, ट्रॉफीज कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत देर लग रही है भाई, अभी मेरे को लग रहा है कि प्लेयर्स मिल रहे हैं, 4-5 हो चुके हैं, बढ़िया, हो सकता है कि 10 हो जाए, तो ये बहुत ही देर लगाएगा। 3 हो चुके हैं, बापरे। तो इस बार लग रहा है कि मैच मेकिंग बहुत ही देर लगाने वाला है, तो एक काम कर सकते हैं कि अपन उसको कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद आगे जाके दूसरे ब्रॉलर के साथ में खेलते हैं जिसकी ट्रॉफीज़ कम होगी। तो उसके साथ क्वेस्ट कंप्लीट तो नहीं होंगे लेकिन ट्रॉफीज़ काफ़ी कलेक्ट हो जाएंगी। शैली के 159 वैसे ही ट्रॉफीज़ है। आपको मैच मेकिंग में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि जिसके ट्रॉफीज़ ज़्यादा होते हैं उसको दिक्कत होती है। तो हम इस बार कोल्ड के साथ में खेलते हैं, कोल्ड के साथ एक क्वेस्ट भी है जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें डैमेज करना है 1,60,000 का। तो यहाँ पर हम आए हैं, स्पॉन हुए हैं, और साथ में कौन है ये, ओके, तो ये बुल है, बुल को जल्दी मारना पड़ेगा भाई और इससे दूर ही रहना पड़ेगा। तो ये गया बुल, क्या बात है, बुल को मार दिया। अभी हमारे पास खूब सारे पावर बॉक्स हैं, उन सबको ओपन करते हैं। तो ये गया, इधर 2 मिल गए, पावर क्यूब्स 3 इकट्ठा हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेस्ट और कंप्लीट हो जाएगा, जो 25 क्वेस्ट पावर क्यूब्स कलेक्ट करने का था, 22 मैंने पिछले बार साथ कर दिए थे, 23 तक पहुँच कर दिए थे। और रोज़ा आ रही है, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा उससे, ओके, तो चली गई उधर। तब तक अपन एक और क्यूब इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारे हो चुके हैं 6 क्यूब, ओके, वो ओके, भागो, उसके रेंज से दूर रहना पड़ेगा बस मुझे। तो मेरा सुपर एक्टिव हो चुका है, मैं कभी भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अटैक करते हैं अपन, अभी सिर्फ 4 ब्रॉलर्स बाकी हैं, अभी अपन यहाँ पर रुक जाते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आसपास कोई है कि नहीं। बाकी शाली तो मेरे पीछे ही पड़ गई है भाई, पीछे ही पड़ गई है, रोज़ा काफ़ी अटैक कर रही है, और अच्छी बात है कि हम उसके रेंज से अभी भी दूर है, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। ओह भाई, बहुत पास आ चुकी थी पर बच गए, रोज़ा अलग चली गई, हम अलग चले गए, और साथ में आ गई नीटा, एक और दिक्कत हो गई, पर ऑलमोस्ट नीटा का हेल्थ ख़त्म हो चुका था, हमने ऑलमोस्ट उसे मार दिया था, बच गई वो थोड़ी देर से। हमारा सुपर एक्टिव हो चुका है, तो हम यहाँ पर वेट करते हैं, और नीटा वापस आ गई और अटैक, ओहो बच गई लगता है, शो डाउन, क्या बात है, नीटा को हमने मार दिया, और साथ में मिले हैं 2 पावर क्यूब्स। अभी इधर से आएगी शैली है वहाँ पर, नहीं शैली नहीं, रोज़ा है वहाँ पर, ओके, जिसको हमने छोड़ दिया था वही है वो, ओह सुपर, मैंने गलती से मार दिया उसे, और आखिरकार वो भी ख़त्म हो गई, क्या बात है। और इसी के साथ हम बन गए नंबर 1, क्या बात है, 10 ट्रॉफीज़ अंदर हो चुकी है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, 10, और इसी के साथ में 100 ट्रॉफीज़ पूरे हो गए हैं मेरे कोल्ड के साथ में भी। तो एक क्वेस्ट कंप्लीट हुआ जिससे हमको मिला 250 टोकन्स, देखते हैं कि इससे कुछ हमारा अनलॉक होगा कि नहीं, प्ले अगेन बोलता है तो एक बार और खेल के देखते हैं भाई, क्योंकि कोल्ड से मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज करना है, और प्ले अगेन बोल रहा है तो खेल ही सकते हैं, और वापस वहीं पर रीस्पॉन हुए हैं जहाँ पर पहले हुए थे, पर इस बार बुल साथ में है तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। बुल को हमने मारा कि नहीं, अभी तक नहीं मारा है, और बुल वापस आ गया, ओहो बच गए, बढ़िया, आखिरकार हमने उसे ख़त्म कर दिया, यानी पूरे बॉक्सेस हमारे हैं, वाओ, अब पूरे बॉक्सेस में से क्यूब्स पूरे ले सकते हैं। तो यहाँ 2 बॉक्स और पड़े हैं, आसपास मुझे कोई नहीं दिख रहा, तो इसे भी ले लेते हैं, और ये 3 क्यूब इकट्ठा हो चुके हैं, टोटल 4 हो चुके हैं, क्योंकि हमने बुल को भी मारा था, तो बुल से भी एक क्यूब मिला था, अब टोटल 5 क्यूब्स हो चुके हैं, और अभी लेफ्ट है केवल 5 ब्रॉलर, जिसमें से यहाँ 2 तो मुझे दिख ही रहे हैं। तो यहाँ एल प्रीमो है, एल प्रीमो का हेल्थ काफ़ी डाउन है, और उसे मैंने मारा लेकिन कहाँ भाग गया भाई, वो बहुत दूर भाग गया लगता है, ओ यहाँ पर है, तो क्या एल प्रीमो मर गया, वाओ एल प्रीमो नहीं मरा, तो पावर क्यूब कहाँ का था, पावर क्यूब समझ ही नहीं आया, वहाँ पर एक और था तो शायद उसने किसी को मारा होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, 7 पावर क्यूब्स हमारे पास हो चुके हैं, फाइनल शोडाउन हो चुका है, और साथ में देखते हैं कि कहाँ पर है, कौन कहाँ छुपा हुआ है भाई, बीच में आके हम लोग वेट करते हैं कि कहीं से आ जाए वो, क्योंकि 2 ही ब्रॉलर हैं, मैं एक बचा हूँ, और फाइनल वाला कहीं तो छुपा होगा।
देखे यहाँ तो नहीं छुपा बैठा, तो यहाँ भी नहीं छुपा बैठा, कहाँ हो सकता है वो देखना पड़ेगा। अभी बहुत टाइम है यार, इतना जल्दी सबके सब खत्म हो गए कि इतना बड़े एरिया में मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ पर। ओके तो ये नीटा है, ओके तो नीटा को मारना चालू करते हैं सीधे रेंज में। तो आजा फिर बताता हूँ तुझे। तो सामने वाली भी कम नहीं है, उसके पास 6 पावर क्यूब्स है। अभी मेरा सुपर एक्टिव नहीं हुआ, वरना तो मैं उसको दीवार में छुपने ही नहीं देता। और उसने शायद सुपर एक्टिव किया लेकिन नहीं कर पाई, क्या बात है। और इसी के साथ हम फिर से नंबर 1 बन गए, क्या बात है। 10 और ट्रॉफी आ गई है, अब बहुत ही मैं पास आ चुका हूँ। एक क्वेस्ट और कंप्लीट हो चुका है, 250 टोकन और मिल गए हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे हम और करीब आ गए हैं 1000 जो ट्रॉफीज़ के। तो चलो प्ले अगेन एक बार और खेल के देखते हैं। भाई मुझे 1,60,000 का डैमेज करना है कोल्ड के साथ में, और मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन तो मुझे कंप्लीट करना है। प्लेयर्स अब फाउंड नहीं हो रहे हैं, पहले प्ले अगेन तुरंत तुरंत हो जा रहा था, अभी बहुत टाइम लग रहा है। तो एक काम करते हैं कि होम पेज में आके देखते हैं कि हमारे 985 ट्रॉफीज हो चुके हैं, वाओ। और हमने एक टोकन कंप्लीट किया तो उससे हमको मिला है एक और जो पॉइंट्स मिला है, रिवॉर्ड मिला है, तो उसमें मिला है एक बॉक्स। बॉक्स को ओपन करने में काफ़ी सारे पावर पॉइंट मिले हैं, ठीक है। अभी तक नया ब्रॉलर तो नहीं मिला है, लेकिन हमको नया ब्रॉलर तब मिलेगा जब हम 1000 ट्रॉफीज़ कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए 15 ट्रॉफीज़ और बाकी है, जब हमको मिलेगा ब्रॉक। अभी हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है भाई, अभी कुछ क्वेस्ट तो खेलना पड़ेगा। प्ले अगेन मैंने 7 बार कर लिया है 10 में से, तो 3 ही बार बाकी है। और कोल्ड का जो डैमेज था वो बहुत ही हमने काफ़ी किया, आधा तो कम से कम कर ही लिया है। तो किसके साथ खेला जाए समझ नहीं आ रहा है, इसके के साथ खेलना पड़ेगा जिसके साथ हम तुरंत ही चालू हो जाए, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग रहा है। और अभी देखने पास हमको देखने की बात है कि क्या खेल सकते हैं, वाइप आउट खेल के देखें, या एक काम करूँ कि दूसरा ब्रॉलर चुन लूँ। भाई अभी बहुत सारे ब्रॉलर हैं जिनके कम ट्रॉफीज़ है, तो उनसे हम क्वेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, इवेंट्स भी बहुत सारे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है सोलो शोडाउन फिर से खेला जाए क्या। अभी क्वेस्ट भी बहुत सारे हैं, किसके साथ क्वेस्ट कंप्लीट किया जाए और कौन से उस मोड में खेला जाए, तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो गेम भी है बहुत ही स्लो हो गया है। मतलब कि जो रैंकिंग पॉइंट्स के साथ जो मैचिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, 64 ट्रॉफीज़ है नीटा की, उसी को कंप्लीट करता हूँ, और इसके साथ अगर हम खेलेंगे तो बहुत जल्दी मैचिंग हो जाएगी, क्योंकि मिलेंगे पूरे बॉट्स, और बॉट्स के साथ खेलना बहुत आसान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बॉट्स हैं, लेकिन कुछ बॉट्स तो होते ही हैं। और कई बार क्या होता है कि बॉट्स सोचते हैं हम कि बॉट्स ही मिलेंगे, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे कि इस बार हुआ। मैं देखो भाई, हेल्थ ऑलमोस्ट डाउन हो गया है, और कोल्ट का भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो अभी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। दोनों ने हेल्थ थोड़ा गेन कर लिया है, मैंने एक बात अच्छी है कि ये क्यूब्स इकट्ठा कर लिए हैं, उसके पास एक भी क्यूब नहीं है, तो ये थोड़ा एडवांटेज है, पर उसे दूरी रहना पड़ेगा। ओहो यहाँ पर पोको आ गया है, तो पोको को मैंने काफ़ी डैमेज किया है। अभी मैं एक काम करता हूँ कि बेयर को समन कर लेता हूँ, और अब बेयर के पीछे पीछे रहता हूँ। जितने भी आएंगे ब्रॉलर उनको मैं बेयर के पीछे से मारूंगा, और 2 को अच्छा डैमेज किया है। एक ऑल एल प्रीमो था, ये भी ख़त्म, क्या बात है। पर मेरा हेल्थ डाउन हो चुका है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा। और दूसरी वाली भी नीटा है, तो एक बार और बेयर को समन कर देता हूँ। मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, और क्या बात है, दोनों बेयर आपस में अटैक कर रहे हैं, तो मेरा बेयर का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ठीक है, 100 डाउन हो चुका है, और मेरे पास 6 पावर क्यूब्स है, देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, वही ढूंढ लेगा। तो ये है बढ़िया, इसको अटैक करके तुरंत मारते हैं। उसका हेल्थ डाउन है, लेकिन वो रिकवर करने के लिए चली गई है वहाँ पर, दूर में, बहुत दूर है। और मेरे पास अभी कोई भी अपना सुपर अटैक नहीं है जिससे मैं बेयर को समन कर सकूँ। और वो क्या हुआ, जीत गया मैं अचानक, भाई मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वाओ अचानक से जीत गया मैं। पर ठीक है, बढ़िया है, जो भी हुआ हम जीत गए। प्ले अगेन फिर से करते हैं, प्ले अगेन को मैंने शायद 8 टाइम्स कर लिया है, तो जल्दी ही वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ और भी टोकन्स मिलेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक नीटा है, तो नीटा से थोड़ा दूरी रहना पड़ेगा। एक अटैक दो अटैक मैंने संभाल के रखा था, तो दोनों नीटा है भाई, खेल ख़त्म ना हो जाए, पर बच गया। ओह मेरा हेल्थ इतना ज़्यादा कम था कि मैं सोच रहा था कि ऑलमोस्ट मैं चला जाऊँगा। ठीक है, अभी मेरे पास ये बॉक्सेस है, इससे मुझे पावर क्यूब्स मिलेंगे, 2 मिल चुके हैं पहले से। एक मैंने नीटा को मारा था, और उसके पास वाला एक बॉक्स था उसको मैंने तोड़ा था उसके कारण, तो अभी टोटल 4 हो चुके हैं। यहाँ पर बार्ली है, बार्ली को मारना आसान है, पर बार्ली है कहाँ समझ नहीं आया, बहुत दूर से अटैक कर रहा था लगता है। तो ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 पावर क्यूब्स दिख रहे हैं, तो लेना तो बनता है, लेकिन बार्ली यहाँ पर है, तुरंत मारता हूँ बार्ली को। ये आ गया बार्ली, एक अटैक इधर से पड़ेगा, 2 और आ रहे हैं, बाप रे बाप, सब एक साथ आ रहे हैं। बेयर को समन किया, और यहाँ नीटा है, बाल बाल बचा भाई, अगर उसका सुपर एक्टिव हो गया रहता तो एक ही बार में मैं साफ हो जाता।
बढ़िया है। चार ब्रॉडर्स बाकी हैं, बस शारी की बाकी है। और पिछले बार मैंने 10 ट्रॉफीज इकट्ठा कर लिए थे, 15 की हमको डिमांड थी, उसमें से मेरे ख्याल से इस बार हम लोग काफ़ी अच्छे पोजिशन में है। 10 मेरे पास पावर क्यूब्स है, अभी तक इतने मेरे ख्याल से किसी और ने इकट्ठा नहीं किए हैं, और पावरफुल अटैक्स भी हो चुका है। शो डाउन की बारी है, बेयर को समन करता हूँ ताकि पता चले कि जो ब्रॉलर है वो कहाँ छुपा हुआ है। अब दो ही बाकी है भाई, पूरा फुल चांस है इस बार जीतने का, कोई टेंशन नहीं। और जो 5 ट्रॉफीज जाती थी वो तो हमको कम से कम मिल ही जाएगी। और ये है एल प्रीमो ने अटैक किया, मैंने डबल अटैक किया और ख़त्म कहानी। यानी इस बार भी हम नंबर 1 पोजीशन पे आए, इस बार 10 ट्रॉफीज और मिली और इसी के साथ हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। यानी कि फाइनली मेरे 1000 ट्रॉफीज पूरे हुए, क्या बात, मज़ा आ गया भाई। और साथ ही साथ मुझे मिले हैं, क्या मिला है, ओके तो अब मुझे ब्रॉक मिल गया है, नया ब्रॉलर मिला है, बहुत बढ़िया, 1000 ट्रॉफीज के साथ में। और इनफैक्ट 1000 ट्रॉफीज कंप्लीट करने के बाद में एक नया इवेंट भी अनलॉक हुआ है, तो देखते हैं ये क्या है, हमको शॉप में कुछ नया मिल रहा है। नहीं, नया शॉप में तो कुछ नहीं है, लेकिन एक नया इवेंट अनलॉक हुआ है, ये देखिए यहाँ पर शोडाउन के नीचे में दिख रहा है। तो देखते हैं हमारा नया ब्रॉलर कहाँ पर है, ब्रॉक नाम है उसका। तो बढ़िया है भाई, बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी है। तो ये इवेंट के बारे में बता रहा था, 2 इवेंट है, मैप मेकर और हॉट जोन, इसको भी बाद में खेलेंगे। तो भाई ये था वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।